अगर सूरज पर रिसर्च करने की बात की जाए तो यह एक ऐसी रिसर्च साइट है जिस पर रिसर्च करने में हमें हजारों साल भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सन हमारी यूनिवर्स में मौजूद एक स्टार है और इसकी तरह हमारे यूनिवर्स में अरबों खरबों स्टार मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी गैलेक्सी में ही सन जैसे अरबों स्टार्स मौजूद होने की बात कही जाती है। वैसे जैसा कि हमें पता है कि स्टार अंतरिक्ष में लाइट एंड हीट एनर्जी का एक सोर्स होते हैं, जिसके कारण इनका तापमान भी काफी ज्यादा होता है और इन पर रिसर्च करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। पर हम इंसान लगातार इन कोशिशों में लगे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सन के करीब अपने स्पेसक्राफ्ट को पहुंचाकर इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें। तो आज हम सन से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में जानने वाले हैं, जिनमें हम जानेंगे कि हमें सन पर रिसर्च क्यों करनी चाहिए और साथ ही जानेंगे सन पर किए गए पास्ट के कुछ मिशन के बारे में। साथ ही समझेंगे कि आखिर हम कैसे सन पर रिसर्च करते हैं। हमारी सन का जन्म आज से 4.6 बिलियन साल पहले एक जाइंट कॉस्मिक क्लाउड से हुआ था, जो कई लाइट ईयर्स में फैला था। इस तरह कॉस्मिक क्लाउड को नेबुला कहा जाता है, जिसमें मेजॉरिटी में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद होती है, जिनसे किसी स्टार का निर्माण होता है। और इसी तरह के नेबुला से हमारे सन का निर्माण हुआ और बाद में जो मेटेरियल बच गया उससे सन के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों और एस्टेरॉयड का निर्माण हुआ। और इसी तरह हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ, जिसमें सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सन है, जिसका मास हमारे पूरे सोलर सिस्टम का करीब 99.8% है। यानी हमारे सोलर सिस्टम में बचे सभी ग्रह और एस्टेरॉयड, उन सभी का मास हमारे सोलर सिस्टम का केवल 0.2% है। हमें सन पर खोज क्यों करनी चाहिए? सन से आने वाली लाइट एंड हीट एनर्जी के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, और बिना सन के हमारी पृथ्वी पर किसी तरह के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सन से आने वाली लाइट एंड हीट एनर्जी हमारे प्लेनेट के टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है, जिससे यहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में रह पाता है और पृथ्वी पर एक एटमॉस्फेयर का जन्म होता है। इसके अलावा सन की हीट एनर्जी से जो पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में जाता है, उससे क्लाइमेट और रेन साइकिल बनती है। और ये सभी चीजें पृथ्वी पर भोजन उगाने के लिए और जीवन को चलाए रखने के लिए काफी ज्यादा आवश्यक हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का एक स्टार है और इसी के जैसे और बहुत सारे स्टार हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। और अगर यूनिवर्स की बात की जाए तो इनकी संख्या अनगिनत हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे नजदीक के स्टार सन को स्टडी करते हैं, तो इसमें हमें यूनिवर्स में इस तरह के मौजूद अनगिनत स्टार्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सन पर रिसर्च करने का एक मकसद ये भी है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के सबसे करीब का तारा है। और इसके अलावा हमारी पृथ्वी के पास मौजूद दूसरा तारा करीब 4.5 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है। ऐसे में अगर हमें रिसर्च करनी है तो हमारे लिए हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर सन ही सबसे बेस्ट स्टार है। इसके अलावा सन पर की जाने वाली रिसर्च हम इंसानों को काफी फायदा भी पहुंचाएगी, क्योंकि इससे हमें हमारे सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी के फॉर्मेशन को जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हम यह रिसर्च कर सकते हैं कि यूनिवर्स में हमारी सोलर सिस्टम में ही एक इंटेलिजेंट लाइफ हम इंसानों के रूप में क्यों मौजूद है, क्योंकि इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी और सोलर सिस्टम में हमें इस तरह के इंटेलिजेंट जीवन के कोई साइन नहीं मिले हैं। ऐसे में सन पर की जाने वाली स्टडी हमें इस बारे में भी जानकारी दे सकती है कि आखिर वह कौन से एलिमेंट्स और कारण हैं जिनके कारण हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम में ही इस तरह का जीवन संभव हो पाया। चलिए अब सन पर होने वाली एक्टिविटीज और सोलर स्टॉर्म के बारे में जानते हैं। अगर आप पृथ्वी के बाहर मौजूद स्पेस को देखते हैं तो आपको यह दिखने में काफी खाली लगेगा, पर यह हमेशा हमारी सन से निकलने वाले रेडिएशन और सोलर विंड से भरा रहता है, क्योंकि हमारा सन केवल लाइट एंड हीट एनर्जी ही बाहर नहीं छोड़ता, बल्कि इसके साथ ही हाई चार्ज रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को भी सोलर सिस्टम में लगातार छोड़ता रहता है। आप हमारे पूरे सोलर सिस्टम को सन के चारों ओर का एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। जब सन पर सोलर विंड और सोलर स्टॉर्म चलते हैं तो यह हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हमारे सोलर सिस्टम में कई बिलियंस किलोमीटर दूर तक ले जाती हैं, और यह सन के चारों ओर ऑर्बिट करने वाले ग्रहों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। वैसे जिन ग्रहों के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है या फिर वह सन के काफी ज्यादा करीब है, ऐसे ग्रह ज्यादातर सोलर स्टॉर्म से निकलने वाले हाई चार्ज पार्टिकल के कारण काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनके एग्जाम्पल के लिए आप मर्क्यूरी, वीनस और मार्स को देख सकते हैं।
जिसमें मर्क्यूरी और वीनस सन के काफी करीब हैं, इसलिए उन पर काफी ज्यादा रेडिएशन और सोलर विंड्स पहुंचती है। इसके अलावा अगर मार्स की बात की जाए तो उसके पास इतना ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है कि वह सोलर विंड और रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स को उसके एटमॉस्फेयर में घुसने से रोक सके, जिसके कारण यह सभी प्लैनेट बेजान और बंजर बन चुके हैं। पर इस मामले में हम मनुष्य काफी नसीब वाले हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि वह सन पर चलने वाले इन सोलर विंड्स और सोलर स्टॉर्म को आसानी से झेल पाता है। वैसे कई बार इन सोलर विंड से निकलने वाले यह हाई चार्ज पार्टिकल्स हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और इनसे हमें हमारी एटमॉस्फेयर में एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, जैसे हम अरोरा कहते हैं। जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि जिस तरह हमारी पृथ्वी के पास एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, उसी तरह हमारे सोलर सिस्टम के स्टार सन के पास भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और यह मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हमारे सोलर सिस्टम में करीब 123 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। यानी पृथ्वी और सन की दूरी को आप 123 गुना कर दीजिए, तब जाकर आपको इतनी दूरी मिलेगी, क्योंकि हमारे सन और अर्थ के बीच की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सन के इस मैग्नेटिक फील्ड को हीलियोपॉज कहा जाता है, जिसे हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी छोर माना जाता है, क्योंकि इसके बाद इंटरस्टेलर यूनिवर्स की शुरुआत हो जाती है। आपको बता दूं कि जिस तरह हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हमें सन से आने वाले सोलर विंड्स और रेडियो एक्टिव पार्टिकल से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है, उसी तरह सन का मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पूरे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर यूनिवर्स में मौजूद नेबुला रेडिएशन, गैस पार्टिकल्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बचाता है। अभी हमारे सोलर सिस्टम में रेडिएशन की जो मात्रा है, अगर उसे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की रेडिएशन की मात्रा से कंपेयर किया जाए तो वह काफी ज्यादा कम है, और अगर हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम इंटरस्टेलर स्पेस रेडिएशन से तबाह हो चुका होता। चलिए अब जानते हैं सूर्य पर होने वाले सबसे बड़े धमाके कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। सन का सबसे घातक विस्फोट, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, अंतरिक्ष में अरबों टन मैटर को छोड़ता है और सोलर विंड को सोलर स्टॉर्म में बदल देता है। 1859, 1882 और 1921 में कई बड़े सोलर स्टॉर्म हमारी पृथ्वी से टकराए थे, जिनमें से ज्यादातर भाग को तो हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड ने अंतरिक्ष में ही रोक दिया, लेकिन इनके कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारी पृथ्वी के सरफेस तक पहुंच गए, जिससे टेलीफोन सर्विस ने काम करना बंद कर दिया था। इसके अलावा कुछ जगहों पर तो इलेक्ट्रिक डिवाइस में आग लग गई थी, पर फिर भी उस समय हम इंसान इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते थे कि इससे हमारी पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों और पृथ्वी के देश की सरकारों को ज्यादा प्रभाव पड़े। लेकिन अगर आज सन इतने बड़े पैमाने पर एक कोरोनल मास इजेक्शन का एमिशन करता है तो यह हम इंसानों के लिए काफी खतरनाक और खर्चीला साबित हो सकता है, क्योंकि आज के समय में पृथ्वी के चारों ओर हमारी हजारों सैटेलाइट लगातार ऑर्बिट कर रही हैं। ऐसे में अगर सन पर एक बड़ा कोरोनल मास इजेक्शन हुआ तो इससे दुनिया भर के लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी, पृथ्वी पर बिजली का भारी संकट पैदा हो जाएगा, कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और पृथ्वी के चारों ओर घूम रही इन सैटेलाइट्स में कई टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगेंगे, जिसके कारण हो सकता है कि जब पृथ्वी पर वापस गिरने लगे, जैसे और भी कई खतरे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा आज के समय में पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर इंसान ऐसे स्मार्टफोन्स और दूसरे डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिनमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग होता है। ऐसे में अगर उस समय की तरह रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पृथ्वी की सतह तक पहुंचे तो हाई चार्ज पार्टिकल्स के चलते इन लिथियम आयन बैटरीज में आग लग सकती है, जिससे लोगों को काफी नुकसान पहुंच सकता है, और यह सिर्फ पृथ्वी की सतह पर रहने वाले लोगों और पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में पृथ्वी के चारों ओर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी घूम रहा है, ऐसे में अगर एक बड़ा सोलर स्टॉर्म हमारी पृथ्वी से टकराया तो सबसे ज्यादा नुकसान इस स्पेस स्टेशन को ही पहुंचेगा, क्योंकि यहां पर हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा कमजोर है, जिससे ISS में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। सन स्पॉट क्या है? कई सालों से हम इंसान टेलीस्कोप की मदद से सन पर रिसर्च कर रहे हैं, सन पर होने वाली कई गतिविधियों को देख रहे हैं। इसी रिसर्च के दौरान हमें सन पर कई काले धब्बे भी दिखाई दिए हैं, जिन्हें वैज्ञानिक सन स्पॉट कहते हैं। और जब सन का चुंबकीय क्षेत्र लगभग हर 11 साल में बदल जाता है तो सन पर और भी कई सन स्पॉट का निर्माण होता है, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती है।
अंतरिक्ष यान के साथ सन की खोज का एक संक्षिप्त इतिहास। अंतरिक्ष युग शुरू होने के तुरंत बाद हमने सन के एटमॉस्फेयर को बेहतर ढंग से समझने के लिए अंतरिक्ष यान भेजना शुरू किया। 1965 और 1969 के बीच नासा ने पायनियर 6 से 9 तक नंबर की सीरीज के स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया। इन स्पेसक्राफ्ट का मकसद सन पर चलने वाले सौर तूफानों की जानकारी पृथ्वी पर पहुंचाना था। इसके अलावा नासा ने 1973 में अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन स्काईलैब पर 11,000 किलोग्राम ह्यूमन पावर्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी भी लगाई। इसने पहली बार सन पर होने वाले कोरोनल मास जंक्शन के साथ साथ कोरोनल होल और सन के वातावरण के ठंडे क्षेत्रों का भी अध्ययन किया। 1991 में लॉन्च किए गए जापान के योको सैटेलाइट ने एक्सरे में पूरे सोलर साइकिल के लिए सन का अध्ययन किया। इसके अलावा जापान के सैटेलाइट ने सन के मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी काफी ज्यादा जानकारी दी और इसमें होने वाले बदलाव के बारे में भी बताया। लगभग उसी समय यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के संयुक्त मिशन यूलेसिस ने सन से एक सही दूरी बनाते हुए उसके आकार और पोल्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठा की और इसकी मदद से वैज्ञानिकों को सूरज के इनसाइड स्ट्रक्चर को समझने में काफी ज्यादा मदद की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान पार्कर सोलर प्रोब सूरज को छूने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन चुका है। इससे वैज्ञानिकों को सौर हवाओं और आकाशगंगा को एक साथ रखने वाले सन के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझने में काफी मदद मिली है। पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में लॉन्च किया गया था और इस मिशन से वैज्ञानिकों को काफी उम्मीद है क्योंकि ये मिशन सूर्य के बहुत सारे रहस्यों को सुलझाने वाला है। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों को हमारे सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कई नई जानकारी मिली और इससे हमें सूर्य के इनसाइड स्ट्रक्चर को भी जानने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इसके सूर्य के इतने करीब जाने के चलते अब हम इंसान और भी कई ऐसे मिशंस को प्लान कर सकते हैं जो सूर्य के और भी ज्यादा करीब जाकर हमें जानकारी दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।